हेलो व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि क्रोम में वल्नरेबिलिटी आ गई है? कोई भी आपके क्रोम को मैं मालवेयर डाल सकता है और हैकिंग कर सकता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, हमने तो अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लिया है, आप भी जल्दी कर लीजिए जिससे कि हैकर से बच सके। तो उसको कैसे करेंगे चल के देखते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि वॉट इज़ अ वल्नरेबिलिटी ऑफ क्रोम। क्रोम में वल्नरेबिलिटी क्या होती है? अ वल्नरेबिलिटी हैज बीन डिस्कवर्ड इन गूगल क्रोम विच कुड अलाउ फॉर आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन। उसमें कुछ ऐसा जगह मिल गई है हैकर्स को जिससे कि वो अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं। रिमोट अटैकर्स कैन क्रिएट स्पेशली क्राफ्टेड वेब पेज ट्रिक्स एंड विक्टिम इनटू विजिटिंग इट एंड ट्रिगर अ टाइप कन्फ्यूजन। This vulnerability occurred due to a type confusion error. अब उसमें कौन सी एरर आ गई है, इसको टाइप कन्फ्यूजन एरर कहते हैं। और V8CVE2022-1232 नाम से जानी जाती है। तो उन्होंने एक ऐसा लूप होल निकाल लिया है जिससे कि वो आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। गूगल ने खुद भी ये माना है और एविडेंस उन्हें मिला है कि दो नॉर्थ कोरियन ने आपके क्रोम सिस्टम में हैकिंग ग्रुप को स्टार्ट किया है और एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी ऑन द जनवरी। उन्होंने जनवरी में ये पा लिया था कि दो ऐसे ग्रुप हैं जो नॉर्थ कोरियन, जो जिन्होंने आपके क्रोम में वल्नरेबिलिटी स्टार्ट कर दिया। गूगल क्रोम इसीलिए कह रहा है कि आप जल्दी से अपने क्रोम को अपडेट कर लीजिए। हाउ डू आई नो इफ क्रोम इज इन्फेक्टेड? लेकिन अगर हमें कैसे पता लगे कि मेरा क्रोम इन्फेक्टेड है? टू आइडेंटिफाई अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट बीन इंस्टॉल्ड एंड रिमूव इट। अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर देखते हैं जो आपको आपने नहीं इंस्टॉल किया, वो इंस्टॉल हो गया, तो उसको हटा दीजिए। रन अ सेफ्टी चेक। इसके लिए आपको एक सेफ्टी चेक भी रन कर सकते हैं। एड्रेस बार में क्रोम सेटिंग सेफ्टी चेक लिखिएगा तो आपसे वो जो जो कहता जाएगा उसको करके आप सेफ्टी चेक कर सकते हैं। हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ ऑन क्रोम? तो फिर हम क्रोम पे अपने को प्रोटेक्ट कैसे करें अगर ये मालवेयर आ गया है, तो ये वल्नरेबिलिटी आ गई है? तो हम पांच तरह से अपने क्रोम को बचा सकते हैं। डिसेबल कर दीजिए सिंक्रोनाइज को, अनेबल डू नॉट ट्रैक फीचर्स को, और डू नॉट ट्रैक फीचर्स को अनेबल कर दीजिए जिससे आपको कोई ट्रैक ना कर सके। क्लियर ब्राउजर डेटा, ब्राउजर के डेटा को क्लियर करते रहिए। ऑप्टिमाइज साइट सेटिंग, और साइट की सेटिंग को ऑप्टिमाइज करिए। यूज गूगल प्राइवेसी चेकअप, और टाइम टू टाइम गूगल प्राइवेसी चेकअप करते जाइए। जो आप क्रोम में थ्री डॉट राइट हैंड साइड में यूज करके ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई गूगल क्रोम? और तो हम गूगल क्रोम को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? उन्हीं साइट्स पे जाइए जो अप्रोप्रिएट है, फालतू साइट्स पे मत जाइए। डिफॉल्ट क्रोम प्रोटेक्शन एक फैसिलिटी है क्रोम में, उसको यूज़ करिए। जावा स्क्रिप्ट को डिसेबल कर दीजिए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुकीज़ को डिलीट करिए। VPN यूज़ किए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को। ब्राउज इनको इकॉग्निटो मोड में जाइए जो प्राइवेट मोड है। अवॉइड क्रोम पासवर्ड मैनेजर, और वहाँ पे क्रोम में पासवर्ड मैनेजर यूज करके जो आप पासवर्ड सेव करते हैं उसको सेव करना बंद कर दीजिए। यूज गेस्ट मोड, और गेस्ट मोड भी यूज कर सकते हैं। ब्लॉक एड्स डाउनलोड एंड पॉपअप्स, और कोई भी एड को ब्लॉक करिए, पॉपअप्स को ऐड करिए, और कोई भी पॉपअप जब आए तो उस पर जा करके कोई लिंक को डाउनलोड मत करिए। क्रोम सिक्योरिटी एक्सटेंशन है, लोग वैसे तो कहते हैं कि एक्सटेंशन नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन क्रोम का सिक्योरिटी एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए जिससे कि आप क्रोम पर क्रोम को सिक्योर कर पाइए। तो इतनी तरह से आप अपने क्रोम को सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सब इंफॉर्मेशन सही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए जिससे लोग अपने क्रोम को अपडेट कर सकें। और
अपने को सेव कर पाए। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक। ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू। प्लीज़ बेल को जरूर प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा।